भाजपा उत्तर प्रदेश ने 18 नवंबर को ये वीडियो ट्वीट करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। वीडियो में दिख रहा है कि कुछ लोग एक महिला को पीट रहे हैं, साथ ही उसे बचाने के लिए आ रही लड़कियों पर भी डंडे चला रहे हैं। बीजेपी यूपी ने दावा किया कि ये वीडियो राजस्थान का है और साथ ही महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। और भी कई फेसबुक और ट्विटर यूजर्स ने ये वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो की असलियत जानने के लिए ऑल्ट न्यूज ने छानबीन शुरू की। ट्विटर पर कीवर्ड सर्च करने पर हमें दैनिक भास्कर से जुड़े एक पत्रकार का ट्वीट मिला। ये वीडियो ट्वीट करते हुए उन्होंने बताया कि ये उत्तर प्रदेश के अमेठी की घटना है, जिसमें जमीनी विवाद के चलते महिलाओं की पिटाई की गई थी। इस ट्वीट पर जवाब देते हुए अमेठी पुलिस ने इस मामले पर शिकायत दर्ज कर कार्रवाई किए जाने की बात बताई है। TV9 उत्तर प्रदेश ने भी इस घटना को अमेठी का बताया है। यूट्यूब चैनल भारत A to Z न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक अमेठी के गौरीगंज थाना क्षेत्र के भटगवा गांव में जमीनी विवाद को लेकर मां बेटी की पिटाई की गई थी। गौरीगंज थाना के CO ने ऑल्ट न्यूज को बताया कि ये घटना राजस्थान की नहीं बल्कि अमेठी के गौरीगंज की है। ये एक पारिवारिक जमीनी विवाद का मामला था और इसमें 4 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। इनमें से 3 लोगों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। यूपी कांग्रेस ने भी ये वीडियो अमेठी का बताकर 18 नवंबर को ही ट्वीट किया था। दिलचस्प बात यह है कि एक ही वीडियो को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने एक दूसरे पर निशाना साधा, लेकिन असलियत में ये वीडियो अमेठी का है।